हेलो एवरीवन, दिस इज कविता कपूर खालसा। मैं वापस आ गई, फिर आ गई। फ्राइडे 9 PM टैरो एक्सपोजे विद कविता कपूर खालसा। थैंक यू फॉर व्यूइंग दिस, थैंक यू फॉर ऑनरिंग मी, थैंक यू फॉर एवरीथिंग दैट यू आर डूइंग एज फैबुलस वंडरफुल व्यूअर्स। तो आज मेरे साथ एक मेरी बहुत अच्छी दोस्त, बहुत अच्छी कोलीग कह सकते हैं, जो कि एक हीलर भी हैं, जो पहले एक्सपोजे पे मैं ऑलरेडी उनको बुला चुकी हूँ, तो उनकी तारीफ में मैं क्या कहूँ, क्योंकि वो पहले से आ चुकी हैं। उनका नाम है प्रियंका जादवानी एंड वो है रायपुर शहर से, जो कि एक एनर्जी हीलर हैं, जो कि लाइफ कोच हैं, और नया नया उन्होंने टैरो काउंसिलर का भी अपने फेदर इन द कैप एड कर लिया है। अब टैरो क्यों, ये उनसे जानेंगे कि इतनी सारी चीजें करने पर ये चीज उनको क्या मिला। बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि कैसे टैरो जो है सेल्फ हीलिंग और सेल्फ थेरेपी के लिए बहुत फायदेमंद रह सकता है। मुझे नहीं पता कि मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ कि नहीं, बट मैं बहुत ज्यादा इनडिसाइसिव हुआ करती थी और खुद पे भरोसा बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन अब जैसे उसको सिखाना शुरू किया है ये टैरो की जर्नी में, तो खुद पे भरोसा तो आ ही गया है बहुत समय से, लेकिन दूसरों को कैसे अपने ऊपर भरोसा लाना है एंड हाउ टू ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट योर नोइंग एंड खुद पे कैसे कॉन्फिडेंस लाना है, ये बहुत बेहतरीन तरीके से ये टैरो के साथ। सो वील जस्ट हैव हर इन अ सेकंड, शी इज जस्ट जॉइनिंग अस एंड देयर शी इज। हाय प्रियंका, मैंने तुम्हारी तारीफ ऑलरेडी कर दी है कि बहुत ही चार्मिंग, बहुत ही यंग डायनामिक लेडी देयर इज इन रायपुर, जो कि एनर्जी वर्क करती हैं और बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने टैरो कार्ड्स की जर्नी अपने लिए जो है एड ऑन की है। तो मैं जानना चाहूंगी आपकी जर्नी विद टैरो कार्ड्स, आई नो थोड़ी छोटी है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग रह चुकी है। सो आई वांट टू नो, आई वांट यू टू टॉक टू मी एंड टेल मी एंड टेल द व्यूअर्स कि टैरो जर्नी कैसी रही आपकी। सो द वेरी फर्स्ट टाइम यू नो इट स्टार्टेड विद यू ऑब्वियसली व्हेन आई फर्स्ट मेट यू, सो आई आस्क्ड यू टू टेक माय कार्ड्स फॉर यू, यू नो माय क्वेश्चंस वर देयर एंड आई फाउंड इट वेरी वेरी एप्ट, you know, no yeah. drama, no nothing, and it was very like accurate and to the point, to the yeah. point answers were there. So you know, from that point itself I was very fascinated ki wow, this is something really interesting. So so from that day I was like thinking ki one day I will learn tarot, yeah. and I was searching for the mentors to study tarot from, and you know I didn't find anybody more interesting than you, because I know the way you teach is like very easy. You make it very easy, like to learn things. Yes, so, absolutely. Yeah. So that way, that's how it started. And that's how it तो yeah. कैसी रही अभी तक की जर्नी, जो आप अगर रोज आप जैसे करते हो या जब भी आप इसको करते हो, जब भी हम मिलते हैं, तो एक्सपीरियंस कुछ शेयर करें तो बहुत अच्छा रहेगा, लोगों को समझ में आएगा थोड़ा ज्यादा। एक्सपीरियंस आई वुड लाइक टू शेयर, जैसे मैं आप सीखने के बाद आई स्टार्टेड टेकिंग ऑल्सो लाइक रीडिंग कार्ड्स फॉर अदर्स एंड दे वर ऑल्सो वेरी हैप्पी कि यू नो जो हमारे मन में चल रहा था कार्ड्स आर सेइंग दैट ओनली, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, हाँ एग्जैक्टली, एंड दे वर लाइक या एग्जैक्टली दिस इज द ओनली थिंग, सो यू नो दैट मेक्स मी मोर हैप्पी कि यू नो एक्चुअली इट इज वर्किंग। एक हल्का सा जो डाउट रहता है ना, यू नो दैट बिकम्स क्लियर व्हेन आई वाज रीडिंग इट, यू नो व्हेन आई वाज ऑन द अदर साइड ऑफ द कहीं दूसरी तरफ बैठे हो दूसरे की रीडिंग करने, तो दोनों में बहुत अंतर होता है। सेम रिव्यूज की यू नो यही हमारे मन में चल रहा था, द कार्ड्स आर शोइंग एग्जैक्टली द सेम थिंग, so they also build that trust, unke andar bhi wo trust aane lage ki haan yaar ye ekdam sahi hai, you know they are not faking it or the cards are not faking it. ये तो रहा इंस्पिरेशन की कहानी कि कहाँ से आपको इंस्पिरेशन आई कि हाँ मुझे करना है, मुझे जानना है खुद की जिंदगी या दूसरों के लिए। बट मुझे इसमें ये भी बताइए कि क्या सेशन लेके सीखने की जरूरत होती है या आप ऐसे ही सीख सकते हैं? नो नो, यू कैन लर्न डायरेक्टली विद यू, तो आई एम सेइंग यू नो इट विल बी लाइक यू कैन लर्न लाइक दिस, बताओ ना तो आ जाए, बिकॉज ABCD अगर आपको आराम से उसको मस्ती में सिखा दिया जाए तो कितना मजा आता है। सो मुझे और थोड़ा कुछ एक शेयर करेंगे, अगर मैं आपसे सवाल करूँ क्या आप अपने लिए भी टैरो कर सकते हो?
Yeah, of course, we can do for ourselves only. So you ask or let's ask a question for myself only. कि अगले एक साल में अगर मैं ये चाहती हूँ कि क्या गाइडेंस आ रही है आपके लिए कि अगर अगर कार्ड्स हैं आपके पास तो हाउ इज योर लाइफ लुकिंग लाइक इन द नेक्स्ट वन ईयर. ओके, सो व्हाट विल बी माय लाइफ इन नेक्स्ट वन ईयर. सो आई एम योर लाइफ इन वन नेक्स्ट वन ईयर एंड क्या गाइडेंस क्या कहती है आपको कार्ड्स की कि क्या आपको दिमाग में रखने की जरूरत है या क्या करने की जरूरत है ताकि वो चीज आप हासिल कर सके अपने लिए. सो यू नो माय माय कार्ड्स आर शोइंग. Oh wow, they're so beautiful. The cards are also very beautiful. You know, one thing I'll also add, these cards are really very colorful, energetic, and it's like, are you yourself after seeing the cards can guess the what are the cards saying basically. Yeah, yeah. सीखने की जरूरत तो है ही, but the basic thing is like, you know, आपको देखकर भी पता चल जाएगा कि आपके cards actually क्या बोल रहे हैं. तो जिंदगी में रंग भर देते हैं वैसे. Seriously. तो अब इनको थोड़ा कुछ बताएं कि आपके लिए क्या गाइडेंस क्या आ रही है जिंदगी के लिए. माय कार्ड्स आर शोइंग लिटिल चेंज. या दिस शोइंग लिटिल चेंज. दिस इज शोइंग लाइक थोड़ा मुश्किल होगा बट आई कैन अचीव व्हाट आई एम थिंकिंग ऑफ डूइंग. एंड दिस इज शोइंग लाइक आई हैव टू बैलेंस मायसेल्फ. बेसिकली आई एम कंफ्यूज्ड फॉर सम थिंग्स. सो या आई एम. सो यू नो दैट इज शोइंग कि यू हैव टू इंटीग्रेट लाइक बैलेंस लाना है और इमोशनल और प्रैक्टिकल बैलेंस लाना लाके आप कोई भी चेंज जो आ रहा है जिंदगी में हासिल कर सकते हैं. पर उसके लिए मन की एक करेज जो है वो होने की जरूरत है शायद. दैट इज व्हाट वो तीन कार्ड्स इंटीग्रेशन चेंज एंड करेज. तो अगर आपके अंदर करेज है तो कोई भी प्रकार का चेंज आ जाएगा और खुद को बैलेंस करके चलेंगे. वो इधर से पढ़े या उधर से पढ़े वो स्टोरी जो है बहुत आराम से बन जाती है उसकी. सो दैट्स सो amazing and so true. क्योंकि आप अपनी लाइफ को कैसे बदलाव ला सकते हो या क्या बदलना है उसमें क्योंकि आपसे ज्यादा बेहतर कौन जान सकता है. Exactly. And also, you know, कितने लोगों ने confusion वाले cards पूछे थे, time वाला. And you know, they have told me कि वो चीज़ उनकी clear भी हुई. They were confused between selecting two things. After that, you know, after the guidance, they told me कि हमने वो चीज़ select की which the card told us. And they said it was right. And they are very happy कि वो उन्होंने वो ही किया. एक तसल्ली सी भी मिलती है दूसरे को सही राह दिखा के. बिकॉज कई बार होता है हम लोगों से पूछते रहते हैं भटक जाते हैं. कई लोग आपको उल्टे राह पे डाल देते हैं. अब वो तो खैर कौन किसके पास जा रहा होता है. लेकिन मेरे ख्याल से कार्ड से काउंसलिंग भी बहुत बढ़िया हो जाती है. नहीं कहीं रास्ता अगर नहीं मिल रहा होता तो आप लोगों को बता पाते हैं और क्या वो सत्य दूसरों को दिखा पाते हैं. इज इट दैट I mean, is it possible? Yes, it is possible. Yes, definitely. You know, the counseling part is done. उनको हम समझा सकते हैं, उनको राह दिखा सकते हैं कि अब ये नहीं तो ये चूज कर सकते हैं अपने लिए. And हम उनसे ये भी पूछवा सकते हैं कि actually वो क्या चाहते हैं. You know, that also comes out through the cards. कि you know what you actually desire right now in this from these questions or from what are you asking. So you know that thing also come out from so many people and I have seen that. वो जो पहले खुद बता नहीं पा रहे थे आफ्टर द कास्ट जैसे हाँ हाँ हम सोच तो रहे थे ऐसा हाँ यही चल रहा था हमारे दिमाग. वाओ. तो ये मुझे बताएं ये तो एक तरह की एक हम कहते हैं हीलिंग हो गई क्योंकि कंफ्यूजन से आप बाहर निकाल रहे हैं उनको. जब उनको कोई चीज से नहीं पता आधी हीलिंग तो आपकी वही हो जाती है जब मेंटल क्लैरिटी आ जाती है. यस एंड द ट्रुथ जो उनके अंदर चल रहा है वो भी निकल जाता है. तो यस डेफिनेटली हीलिंग भी हो जाती है. सो दीज कार्ड्स आल्सो हील योर सोल और योर बीइंग आई कैन से. तो किस किस प्रकार के सवाल आते हैं आपको. कुछ थोड़े अतरंगी सवाल आए हैं अभी तक. कोई ऐसे कि आप बोलो हे प्रभु ऐसे कैसे सवाल पूछ रहे हैं लोग ऐसा कुछ हुआ है अभी तक. वन वाज देयर लाइक वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यू नो व्हिच आई वुड लाइक टू शेयर दैट अभी कोरोना टाइम्स में पीपल आर आस्किंग कि हम ये चीज सेलिब्रेट करें या नहीं. आई वाज लाइक ओके यू कैन आस्क दिस आल्सो यू नो. सो बुलाएंगे नहीं कि हमारे को कोरोना तो नहीं हो जाएगा इसीलिए. एग्जैक्टली सर आई वाज लाइक फॉर योर सेलिब्रेशन आल्सो. सो बट या आई गेट द गाइडेंस. मैंने अभी तक की जर्नी में देखा है कुछ भी पूछ सकते हैं लोग. मतलब बी प्रिपेयर्ड फॉर एनीथिंग. और मजे लेने आने चाहिए आपको बस. तो आप लोगों को अपनी तरफ से दो शब्द क्या कहना चाहोगे यू नो. एंड मैं चाहती हूँ लोग रायपुर में ये हैं. ऐसा तो नहीं है कि आपको रायपुर जाना पड़ेगा इनसे अपॉइंटमेंट लेने के लिए. बट आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं ये चीज. yes, और इसीलिए ये सारे एपिसोड्स किए जा रहे ताकि आप जाने आप कहीं से किसी को भी आप कनेक्ट कर सकते हैं और उनसे मतलब फंसे मत रहे.
फंसे रहने की जरूरत नहीं है, निकले, रास्ता निकाले, कंफ्यूजन से बाहर निकलो. और डिसीजन जो हम पेंडिंग डिसीजन होता है, हम लेंगे लेंगे, यू नो, जो डर रहता है कि ये लिया तो क्या होगा. सो यू कैन आस्क दैट, यू कैन क्लियर योर कंफ्यूजन, यू कैन टेक द गाइडेंस की विच विच यू नो राह में मतलब जाना है, विच पाथ यू वांट टू चूज फॉर योरसेल्फ. सो यू कैन आस्क एनीथिंग. और ये मेरे स्टूडेंट्स हैं, लेकिन मैं इनसे खूब सीखती हूँ और मुझे बहुत आनंद आता है, क्योंकि मिल के जब हम करते हैं बहुत सारी चीजें, हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, तो यू नो जर्नी और आसान हो जाती है. सीरियसली, इट बिकम्स वेरी इज फन. एंड यू नो आई विल सजेस्ट कि ये कार्ड सीखना इज नॉट अ बिग बिग डील. आई विल से इट्स लाइक आपने हंसते हंसते ये सीख लोगे. इट्स वेरी इजी, यू कैन टेक गाइडेंस फ्रॉम एनी ऑफ अस अवेलेबल. गाइडेंस ऑल्सो इज वेरी लाइट, इसमें ना कुछ हैवीनेस नहीं है कि हमको 10 दिन मेडिटेशन करना है और समथिंग लाइक दैट. इट्स वेरी इजी, यू कैन जस्ट लर्न इट फ्रॉम लाइक 4 days, आई गेस. या 4 days, एंड देन वी कीप मीटिंग रेगुलरली जब भी जरूरत होती है, एंड फ्यूचर के भी क्लासेस आप अटेंड कर सकते हैं. लेकिन कई लोग एक एक महीना लगाते हैं, आपको अंदाजा है? I know that some of my friends have learned from some different facilitators. So they had like taken class for 3 to 4 months. And I was like, itna time lagega? You know, so I basically lose interest agar koi cheez itni lambi chal rahi hoti hai. So it's like, और वैदिक एस्ट्रोलॉजी उन्होंने 3 से 4 महीने में सिखा दिया बहुत बढ़िया तरीके से. तो एस्ट्रोलॉजी जैसा भंडारा और टैरो बिग कोर्स, बट टैरो इज नॉट दैट बिग कोर्स. हो जाता है जब वो 4 महीने में हो सकता है, तो टैरो तो फिर उसके सामने एक छोटा सा बच्चा है. बिल्कुल, बट छोटा सा बच्चा है, बट इट्स वेरी पावरफुल. यू नो यू कैन नॉट से दैट इट छोटा सा बच्चा है, तो child. Yes, it's very child. You know, इतना धुरंधर है कि आपको जो जहाँ फंसे हुए हैं ना, कि अगर आपको एस्ट्रोलॉजी ये नहीं बता सकती कि आपको नॉर्थ जाना है कि साउथ जाना है कि ईस्ट वेस्ट या बीच की कोई डायरेक्शन में, वो आपको टैरो बता सकता है. You know, and the time limits also, like कितने दिन में ये हो जाएगा, कब तक हो जाएगा, you know, that has also came out very accurate for some of my clients. So, you know, I'm very happy and I know. Joy, that is what it increases your joy and their joy. Exactly. So I'm sharing that personal experience ki it is that effective. You know, people come and ask me ki ye effective hai. So I said, yes, it is. हाँ, मतलब doubt आते हैं लोगों को, क्योंकि इसके इतने सारे memes बन चुके हैं, इतने सारे मजाक उड़ चुके हैं, पत्ते बताएंगे अब तुम्हारी जिंदगी में क्या होने वाला है. Also, you know, they think ki wo bahut dramatic hota hai, people wear so many rings and you know then do all these tarot cards, and I said please I do it and I do it. Par scarf aisa thoda sa tamjham to hona chahiye na, aise thoda na, warna to aap kya lagoge, kuch bhi nahi, aap to itne sexy bhi ho sakte hain tarot. हमारे सामने सेक्सी प्रियंका बैठी हैं ताकि हम उनकी उनसे जान सके. तो दो शब्द आप लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? So I'll say, you know, tarot is effective, guys. Do come, do learn, or just take your readings out. It will definitely help you wherever you are stuck in your present area. And it does heal, you know. Aapki healing bhi ho jayegi saath your, you know, in side by side, you get the guidance. So yes. I'll say learn or take, or learn or get your readings done. Both ways, tarot is definitely effective. Effective, and दुनिया के किसी कोने में भी आप हो, आप connect कर सकते हैं, because it's all about energy. Yes, it's all about energy, and these cards are also very much energetic. You know, that's very like, and practical. मतलब कोई additional drama नहीं, practical to the point. That's true. You know, that's what attracted me, and that's what I'll say. Ki it's that easy and it's that fun to get your readings done or learn. Both ways, it's very fun and ease. So that's it's what fun and ease. हर चीज में डोंट गेट अफ्रेड, डरो मत इससे. आई जस्ट से डरो मत इससे, जस्ट सी हाउ इट इज फॉर यू. बस कुछ लोग ऐसे हैं जो मैं नहीं जानना चाहती हूँ कि मेरे को क्या है, बिकॉज़ दे सो स्केर्ड कि पता नहीं क्या निकल आएगा. दैट्स व्हाट आई सेड, डरो मत इससे, यू नो. हाँ, वैसे थोड़े अगर आपके कोई हिडन सीक्रेट्स है वो निकल सकते हैं, बट वी अश्योर यू हम किसी से बोलेंगे नहीं. या या, डेफिनेटली विल नॉट टेल एनीबॉडी. Because ये confidential चीजें होती हैं, ये सारे सबसे बात करने की नहीं होती है. Exactly, yes. Thank you so much, Priyanka, for being there on the show and you know, enlightening people for what tarot journey is all about and busting the myths associated with tarot. Thank you so much. You're so wonderful. Thank you.